मित्रों अपना मोबाइल कम से कम साइलेंट मोड में कर लें। मित्रों अपने बीच भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा जी आपको संबोधित करने वाले हैं। मेरा सादर अनुरोध है डॉक्टर पात्रा जी से कि आपको संबोधित करें। डॉक्टर पात्रा, आप सभी को नमस्कार। धन्यवाद संजय जी, आप सबकी अनुमति से आज के इस प्रेस वार्ता को आरंभ करते हैं। अर्बन नक्सल का जो इश्यू है वो अभी चल रहा है। किस प्रकार से कुछ लोगों की गिरफ्तारी के पश्चात कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के कुछ साथी हमलावर नजर आए थे और वो उसे डेमोक्रेसी के ऊपर आक्रमण बता रहे थे, लोकतंत्र के ऊपर हमला बता रहे थे, वो हम सब ने देखा है। लगातार तथ्यों को जनता के बीच रख करके भारतीय जनता पार्टी ने यह सिद्ध किया है कि कांग्रेस पार्टी राजनैतिक लड़ाई के लिए देश के खिलाफ किसी भी हद तक जा सकती है। जब हम कहते हैं देश के खिलाफ, उसका अर्थ होता है राष्ट्रीय सुरक्षा, नेशनल सिक्योरिटी। नेशनल सिक्योरिटी इज एन इश्यू ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस एंड टू प्ले विथ नेशनल सिक्योरिटी ओनली फॉर पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म इज समथिंग व्हिच द कांग्रेस पार्टी हैज ऑलवेज बीन डूइंग सो। एंड इन दैट ट्रेल वी हैव येट अनदर लेटर। उसी कड़ी में एक और चिट्ठी हमारे सामने आया है। यह चिट्ठी जो हाल फिलहाल में रेड हुए हैं, उस रेड के दौरान पकड़ा गया, यह भी दो कॉमरेड के बीच था। यह कॉमरेड सुरेंद्र को लिखा गया था, कॉमरेड प्रकाश द्वारा, 25 सितंबर 2017 को। और उसमें एक लाइन आता है, लंबी चिट्ठी है, मैं चिट्ठी आपको दिखाता हूं। यह चिट्ठी है, इसमें अनुरोध करता हूं कि जो फोन नंबर दिखाया गया है उस फोन नंबर को आप ब्लर कर देंगे, क्योंकि वी डू नॉट वॉन्ट सर्टन फोन नंबर्स टू गो इन द पब्लिक डोमेन। ये वो चिट्ठी है जिसके विषय में हम बात कर रहे हैं। उसमें एक पंक्ति है जो बहुत ही हम सबको सोच में डालने वाली पंक्ति है। मैं उस पंक्ति को पढ़ता हूं आपके लिए। कांग्रेस लीडर्स आर वेरी मच विलिंग टू असिस्ट इन दिस प्रोसेस एंड हैव ऑल्सो अग्रीड टू फंड फर्दर एजिटेशन वेन एवर सच अपॉर्चुनिटीज अराइव। इन दिस रिगार्ड यू कैन कॉन्टैक्ट और आ फ्रेंड एट द नंबर। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि वो हमें पैसे मुहैया कराते रहे, फंड देती रहे, अगर इस प्रकार के एजिटेशन हम कहीं भी भारतवर्ष में करते हैं। और आप जानते हैं, पहले भी हमने चिट्ठी आपको दिखाए थे कि किस प्रकार मोदी रथ को रोकना है और जो अच्छे काम सरकार कर रही है उसको रोकने के लिए एक मैन्युफैक्चर्ड एजिटेशन खड़ा करना है, यह उद्देश्य कुछ लोगों का रहा है और खास करके माओइस्ट और नक्सलियों का रहा है। उसको किस प्रकार फंडिंग और फाइनेंसिंग करना है उस बाबत कहा गया, उस कारण कहा गया कि हमारे मित्र इस फोन नंबर पर अवेलेबल हैं, कोई भी फंड की आवश्यकता पड़े तो उस मित्र से फंड ले लीजिएगा। बंधुओं, जब यह फोन नंबर का पता चला, अब मीडिया दिखा रही है कि यह फोन नंबर किसी और का नहीं है, राहुल गांधी जी के गुरु और कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता श्री दिग्विजय सिंह जी का है। दिग्विजय सिंह जी ने भी इस पे कोई टिप्पणी नहीं की है कि फोन नंबर उनका नहीं है, वो भी एक्सेप्ट करते हैं कि फोन नंबर हमारा है। ये वो चिट्ठी है, यहां फोन नंबर मौजूद है, आप देख सकते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि फोन नंबर को ब्लर करके दिखाएं, क्योंकि किसी के फोन नंबर को भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि हम पब्लिक डोमेन में दें। ये वो चिट्ठी है जिस चिट्ठी के विषय में हम बात कर रहे हैं, विद द फोन नंबर। ये पहली बार नहीं है जो कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के दिग्विजय सिंह इस प्रकार का व्यवहार, इस प्रकार का बर्ताव कर रहे हैं। ये वही दिग्विजय सिंह है, याद करिए, जो 26/11 में पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए हिंदुस्तान के ऊपर ही उंगली उठा रहे थे। ये वही दिग्विजय सिंह है जिन्होंने जाके जाकिर नायक को गले लगाया था और कहा था कि ही इज द अपोस्टल ऑफ पीस, वो शांति के दूत हैं। ये वही दिग्विजय सिंह है जो बाटला हाउस एनकाउंटर के पश्चात भी आतंकवादियों के साथ खड़े नजर आए थे। तो फहरिस्त बहुत लंबी है, बट एज फार एज द कांग्रेस पार्टी इज कंसर्न्ड, टुडे वी कैन से दैट कंफ्यूजन, conspiracy and congress, these are synonymous. Confusion and conspiracy. आप देखिए, जहां तक माओइज्म, जहां तक नक्सलवाद का सवाल है, कांग्रेस पार्टी कोई आज ही नहीं,
जब से कांग्रेस सत्ता में रही है तब से नक्सलिज्म को और माओइज्म को लेकर कांग्रेस पार्टी का दोहरा चरित्र किस प्रकार का रहा है, आधे इधर खड़े हो जाओ आधे उधर खड़े हो जाओ और जो बचे हैं वो हमारे पीछे चले आओ, इस प्रकार की नीति कांग्रेस पार्टी में रही है। डॉक्टर मनमोहन सिंह और कुछ लोग कहते हैं कि नक्सलिज्म इज द वर्स्ट थ्रेट टू इंडियन सिक्योरिटी, कि नक्सलिज्म से बड़ा थ्रेट कोई नहीं है। जो होम मिनिस्टर्स रहे विगत 10 वर्षों में यूपीए के समय, होम मिनिस्टर्स इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत सारे होम मिनिस्टर्स रहे, शिवराज पाटिल रहे, पी चिदंबरम रहे, सुशील कुमार सिंधे रहे, उनके तीनों के बयानों को आप देखिएगा तो कुछ लोग नक्सलियों के साथ खड़े हैं आधे इधर खड़े हैं और कुछ लोग नक्सलियों के विरुद्ध खड़े हैं आधे उधर खड़े हैं, और बाकी जो बचे हैं उनका आलम तो यह है इधर उधर नहीं, पूरी तरह नक्सलियों के साथ खड़े हैं। द सम हु हैव रोमांटिसाइज्ड नक्सलिज्म विद इन द कांग्रेस पार्टी एंड द बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इट वॉज द कोटरी विच वॉज क्लोजेस्ट टू द देन कांग्रेस प्रेसिडेंट बाय द नेम ऑफ एनएसी। ये जो एनएसी थी कांग्रेस पार्टी की, जो सोनिया गांधी जी का ब्रेन चाइल्ड था और सबसे निकट सोनिया जी की थी वो एनएसी, दैट बॉडी इनफैक्ट वॉज द ग्राउंड फॉर सपोर्टिंग नक्सलिज्म। आप इसमें आश्चर्य के साथ देख सकते हैं कि जहां प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह कहते थे कि इंटरनल सिक्योरिटी को सबसे बड़ा खतरा नक्सलिज्म से है, वहीं सोनिया जी प्लानिंग कमीशन और एनएसी में किस प्रकार नक्सल प्रभावित लोग और डायरेक्टली जो नक्सलिज्म से जुड़े थे उनको स्थान दिया हुआ था। एक उदाहरण देता हूं, आपको भी बड़ा आश्चर्य लगेगा कि किस प्रकार की सरकार थी। आप सबको याद होगा 2011 में मलकानगिरी एक डिस्ट्रिक्ट है, मलकानगिरी के कलेक्टर को अगवा किया गया था नक्सलियों द्वारा, माओइस्ट द्वारा। द कलेक्टर ऑफ मलकानगिरी वॉज किडनैप्ड अलॉन्ग विथ अ जूनियर इंजीनियर and the ransom call was a list of issues, one of that being releasing 8 maoist, ki aap 8 maoist aur naxaliyon ko chhodiye, jo durdant naam maoist hai unko chhodiye to hum is collector ko chhodenge, collector is akin to Indian government, the Indian government was held hostage in demand that certain naxalites and certain maoist should be released, 8 of them were released in order to barter the release of almost the Indian government, that is the collector. And do you know, one of them who was released was A. Padma, a lady called A. Padma. Wo ek naxalite thi, unko giraftar kiya gaya tha aur unko release kiya gaya, giraftar Odisha police ne kiya tha, Malkangiri collector ke badle A. Padma ko release kiya gaya. Aur A. Padma kaun hai? Keval wo naxalite hai, yahi nahi hai, wo patni hai topmost maoist jo desh ka, Akiraju Haragopal urf Ramakrishna, unki patni thi A. Padma. और आपको जान के आश्चर्य होगा कि इसी ए पद्मा को, जिसको कि सरकार ने रिलीज किया किडनैपिंग के लिए, उसी ए पद्मा को एनएसी के हर्ष मंदार का जो ऑर्फेनेज था जिसका नाम है अमन वेदिका, वो उसकी इंचार्ज बनी। शी वॉज ऑलमोस्ट इन दी एनएसी लुकिंग आफ्टर द ऑर्फेनेज रन बाय अ टॉप मेंबर मिस्टर हर्ष मंदार, एंड यू नो हर्ष मंदार हाउ क्लोज ही वॉज टू एनएसी, ही वॉज अ मेंबर ऑफ एनएसी, हाउ क्लोज ही वॉज टू दी President of Congress then. The mainstreaming of Naxalism. एक और उदाहरण आप जानते भी हैं, मगर यह बताना आवश्यक है because these are issues of grave importance. ये national security के साथ किस प्रकार खिलवाड़ कांग्रेस पार्टी कर रही थी। डॉक्टर विनायक सेन was convicted, remember in 2010, 2010 में विनायक सेन convicted हुए, convicted हमारे सरकार के समय नहीं हुए, 2010 में उनकी सरकार थी, conviction हुआ and convicted for sedition. देशद्रोह के लिए उनको कन्विक्टेड उस समय की सरकार के समय हुआ, और डॉक्टर विनायक सेन को उसके पश्चात अपॉइंट कहां किया गया, प्लानिंग कमीशन में, की प्लानिंग कमीशन कमिटी, द स्टीयरिंग कमिटी ऑन हेल्थ ड्राफ्टिंग देयर 12th फाइव ईयर प्लान। प्लानिंग कमीशन के भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉडी स्टीयरिंग कमिटी ऑन हेल्थ, उसमें विनायक सेन को रखा गया। आप बताइए जो माओइस्ट है जो कन्विक्टेड हो चुके हैं उनके प्रति इतना अपनापन, आप उनको एनएसी में जो देश का सर्वोच्च बॉडी है आपने बना रखा था अनकॉन्स्टिट्यूशनली, और प्लानिंग कमीशन में आप उनको स्थान देते हैं। और तो और आप ही के समय 2013 में महेश राउत, आपको याद होगा महेश राउत
नामक व्यक्ति जो अभी भी अरेस्ट हुए थे भीमा कोरेगांव के समय, वो उस समय भी अरेस्ट हुए थे जब यूपीए की सरकार केंद्र में थी और महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार थी। महेश राउत को जब पुलिस इंट्रोगेशन के लिए लेके गई तो उस समय ये चिट्ठी आप सबने देखा होगा, आपको पता होगा, ये चिट्ठी किसी और ने नहीं, जयराम रमेश लिखते हैं पृथ्वीराज चौहान को, जो उस समय के मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के, कि पृथ्वीराज जी मुझे मालूम पड़ा है कि आपकी पुलिस ने महेश रावत नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और उसे पूछताछ कर रही है, और ये जो व्यक्ति है महेश रावत, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, माओइस्ट भी था और वहां यूपीए की सरकार ने उन्हें बना रखा था प्राइम मिनिस्टर्स रूरल डेवलपमेंट फेलो। सोचिए जरा कहां कहां बैठे थे ये सब, पीएम रूरल डेवलपमेंट फेलो की ये हिस्से थे। प्राइम मिनिस्टर के लिए गांव कैसे आगे बढ़े उसकी चिंता महेश रावत जैसा व्यक्ति कर रहा था, जिसको गिरफ्तार यूपीए की सरकार ने किया, पूछताछ कर रही थी। तो जयराम रमेश लिखते हैं मैंने अपने सोर्सेस से पता लगा लिया है, बहुत अच्छा आदमी है, ये बैठे बैठे अपने कमरे में अपने सोर्सेस से पता लगा लिया कि बहुत अच्छा आदमी है, इसको छोड़ दीजिए क्योंकि इसके बिना प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का काम चल नहीं सकता है। वहां तत्कालीन प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि सबसे बड़ा इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट इन्हीं से है, और वहां उन्हीं की सरकार उन लोगों को पीएमओ में बैठा के पीएम फेलोशिप देके उनको छुड़वाने की कवायद कर रही है, जब उन्हीं की पुलिस उन्हें अरेस्ट करती है। दिस वॉज मेन स्ट्रीमिंग ऑफ माओइज्म, मेन स्ट्रीमिंग ऑफ द माओइस्ट नक्सलिज्म अंडर द कांग्रेस रूल। देखिए जहां तक इंडिया की सिक्योरिटी फोर्सेस का सवाल है, वन ऑफ द बिगेस्ट लॉसेस, सिंगल डे लॉस, एक दिन में जो क्षति इंडिया के सिक्योरिटी फोर्सेस को हुई है, सबसे बड़ा हिंदुस्तान के इतिहास में कोई हुआ है ऑपरेशन ब्लू स्टार के पश्चात, तो वो दंतेवाड़ा में हुआ है, जब एक ही दिन में 76 ऑफ आवर जवान्स वे लॉस्ट, वो मार्टर्ड बाय दीज नक्सलाइट्स। और इन लोगों को आप प्रोटेक्शन दे रहे हैं, इन लोगों के हक में बोल रहे हैं। मुझे बहुत कष्ट के साथ कहना पड़ रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी, जब इतने सैनिक मारे जाते हैं, उनके लिए जो स्लोगन है, कांग्रेस पार्टी स्लोगन फॉर द मार्टर्स वुड बी, सैनिकों तुम संघर्ष करो, सैनिकों तुम संघर्ष करो, हमें पता नहीं हम किसके साथ हैं। हम कहते हैं ना कि जवानों तुम संघर्ष करो, देश तुम्हारे साथ है। कांग्रेस का स्लोगन था सैनिकों तुम संघर्ष करो, तुम शहीद हो जाओ, हमें पता नहीं मगर हम किसके साथ है, तुम्हारे साथ है या इन नक्सलियों के साथ है। क्योंकि जो जो उदाहरण हमने दिया है, ये सारे उदाहरण तो बताते हैं कि ये नक्सलियों के साथ थे। वारावारा राव नामक एक व्यक्ति अरेस्ट हुए थे, अभी भी होम अरेस्ट में है। उनको लेकर कांग्रेस ने हमें टिप्पणी की थी, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कितनी बार कांग्रेस के समय वो गिरफ्तार हुए ये सब भी बताया था, उसको रिपीट नहीं करेंगे। मगर क्या यह हकीकत नहीं है कि वारावारा राव की जो ऑर्गेनाइजेशन है, आंध्र प्रदेश रिवोल्यूशनरी राइटर्स एसोसिएशन RWA, जब 2014 में हमारी सरकार नहीं आई थी और कांग्रेस की सरकार थी, तो उस समय लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में कांग्रेस पार्टी ने ही 74 ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस दिखाए थे कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये बैन होने चाहिए क्योंकि इनका नक्सली लिंक है। और उसमें नंबर एक पे किसी का नाम था, किसी संस्था, किसी नक्सली ऑर्गेनाइजेशन का, तो वह वारावारा राव के इसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम था, RWA का, रिवोल्यूशनरी राइटर्स एसोसिएशन का। उस समय तो आप जब लिस्ट देते हैं, कोई कार्यवाही नहीं करते हैं वो अलग बात है, लिस्ट जो आपने दी उसमें नाम लिखा हुआ है, और जब हम कार्यवाही करते हैं तो आप दुहाई देते हैं कि लोकतंत्र खतरे में आ गया। हम सवाल पूछते हैं कांग्रेस पार्टी से कि कांग्रेस, यू हैव कॉम्प्रोमाइज द नेशनल सिक्योरिटी फॉर वे टू लॉन्ग, एंड वेरी हम्बली वी वुड गिव एन अनसॉलिसिटेड एडवाइस टू यू ऑल्सो, प्लीज रीनेम योर सेल्फ, आइदर यू कॉल योर सेल्फ INCM, दैट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस माओइस्ट, और द कांग्रेस पार्टी ऑफ माओइस्ट, बिकॉज दिस इज द वे यू आर बिहेविंग। माओइस्टों के पक्ष में जिस प्रकार से आप आज खड़े हैं, देश की सुरक्षा के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, द बेस्ट थिंग इज अप्रोच द इलेक्शन कमीशन एंड से दैट वी वॉन्ट टू रीनेम आवर सेल्फ, रिक्रिस्टन आवर सेल्फ, एंड वी वॉन्ट टू बी कॉल्ड एज द INCM, इंडियन नेशनल कांग्रेस माओइस्ट, और द कांग्रेस पार्टी ऑफ द माओइस्ट। 2012 में ही यूपीए ने अपने ड्राफ्ट एफिडेविट में 128 ऑर्गेनाइजेशंस आइडेंटिफाई किए थे जिनका सस्पेक्टेड लिंक माओइस्ट का था,
और 2012 में जो आईबी रिपोर्ट आया था उसमें क्या लिखा था इंटेलिजेंस ब्यूरो ने, मैं पढ़ देता हूं. द फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन एंश्योर फ्यूजन बिटवीन ओवरग्राउंड एंड अंडरग्राउंड एक्टिविटीज. दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ एजुकेटेड यूथ हु गो टू द फील्ड टू कीप द मूवमेंट अलाइव एंड प्ले द रोल ऑफ आइडियोलॉग्स. द क्वेश्चन टूडे इज टू मिस्टर राहुल गांधी. The question today is to the Congress party. Why is it that the underground Maoists today seem to have a fusion with the Congress party? Why is it that Mr. Digvijay Singh today appears to be speaking for the Maoist? Of course, he has a history doing so. But the country wants to know ki Digvijay Singh aaj bhi Maoists ke mouthpiece bankar khade kyun hai? Unke liye kyun bol rahe hai? Ye Congress party desh ki suraksha ke saath कब तक खिलवाड़ करती रहेगी, इसका उत्तर कांग्रेस पार्टी से हम चाहते हैं. थैंक यू. एनी क्वेश्चन सर? अभी हमने देखा कि दिग्विजय सिंह जी बड़े उतावले हो रहे हैं कि मुझे अरेस्ट करो, मुझे अरेस्ट करो करके. दिग्विजय जी और कांग्रेस पार्टी, आपके मित्र तो अरेस्ट हो चुके हैं, आप छाती पीट पीट के रो भी रहे हैं. वो जो 5 मित्र उनके अरेस्ट हुए हैं. अगर कानून में ऐसा कोई प्रावधान है तो आप इतना उतावला मत होइए, वो प्रावधान भी पूरा किया जाएगा. कानून अपना काम करेगी. कानून से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं है, देश की सुरक्षा से बड़ा कोई नहीं है. एंड इनफ इज इनफ, नो मोर. देश की सुरक्षा के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ करना, कभी जाके आप पाकिस्तान में पाकिस्तान के जनरल के साथ गले मिलते हैं, ये कांग्रेस पार्टी के लिए बोल रहा हूं, और वो जनरल 4 दिन बाद बोलता है कि नहीं नहीं ये सब करार वरार जो था झूठा करार था, अभी सिद्धू के लिए उनका मैसेज आया था. और कभी जाके आप 26/11 के लिए भारत को प्रताड़ित करते हैं और कहते हैं पाकिस्तान ने नहीं, भारत ने किया है. कभी बाटला हाउस एनकाउंटर करा के, मतलब जो होता है उसके पश्चात आतंकवादियों के साथ खड़े नजर आते हैं. ये कब तक चलेगा? देश सवाल पूछेगा और कानून में जो भी प्रावधान है दिग्विजय जी वो सब फॉलो किया जाएगा. यस सर. इस पे ऑलरेडी माननीय मंत्री जी ने अपना बयान दिया है. सर, राहुल गांधी मानसरोवर की यात्रा पे हैं, कहा जा रहा है कि नेपाल में गए थे तो उन्होंने नॉनवेज खाया है. इस पे देखिए, प्रभु देख रहे हैं, इस पे मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा. See, very humbly, I would like to submit that our president of Tamil Nadu has already given her version. And I would like to say that those who are saying that it is complicity, we would just remind them that this government of Tamil Nadu is not a BJP government. Law should take its own course, and she had given her own, she has put her own logics. Thank you. Bahut bahut dhanyawad. देखिए, कांग्रेस पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो चाहे किसी नाम से भी अपनी सोशल मीडिया खोल सकती है, चला सकती है. मगर याद रखिए, नतीजा तो वही है कि कांग्रेस को चारों खाने चित्त होना है, चाहे सोशल मीडिया में हो और चाहे चुनाव में हो, क्योंकि उन्होंने काम तो कुछ किया नहीं, ना ही दे हैव एनी प्रॉमिस लेफ्ट इन देम. आयरोनिकली उन्होंने उसे राजीव गांधी सेना का नाम दिया है. जहां तक नामांकन का विषय है, यह भी कभी अपने डायनास्टी से बाहर आके नाम रखते नहीं है. अगर उनका बस चलता कांग्रेस पार्टी का तो ये व्हाट्सएप का नाम भी रखते, राजीव गांधी मुफ्त गपशप योजना. उनका बस चलता नहीं है हर जगह. यस मैम. ये उनके पार्टी का विषय है. ना ना, ये उनके पार्टी का विषय है, हम लोग क्यों कमेंट करें इस पर. See, as far as the Congress party is concerned, I mean, they have lost the narrative of this country. They have not understood the pulse of this country. And howsoever hard the Congress may try to come back to what India is, howsoever hard the Congress may try to understand what India is, they would not succeed.
because they have missed the opportunity, they have failed to catch hold of the bus. Bus chhoot gayi hai Congress ki, ab kuch nahi ho sakta hai. Mr. JP Yadav. देखिए इस पे मैंने कहा कि मंत्री जी ने खुद इस विषय पे बयान दिया है, मुझे लगता नहीं है कि जब मंत्री जी ने दिया है तो हमें कहना उचित नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।